यस, जनवरी में बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए इंडिया में, चाइना में एंड वर्ल्ड वाइड, बट फरवरी इज गोइंग टू बी नो एक्सेप्शन। बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नोटवर्दी स्मार्टफोन्स अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं। सो आई थॉट एक वीडियो बना के आपको बता देते हैं कि विच ऑल मेजर स्मार्टफोन्स आर गोइंग टू लॉन्च इन फरवरी। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर Let's get started. Let's start with Xiaomi, guys. अगर आपको Xiaomi के स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट है तो Xiaomi 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स अपनी ग्लोबल डेब्यू फरवरी में करने वाले हैं। MWC में Xiaomi 13 और Xiaomi 13 Pro लॉन्च हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट में। बट अगर आप इंडिया में एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो Xiaomi 13 सीरीज का, तो Xiaomi 13 Pro ही इन ऑल लाइक्लीहुड इंडिया में लॉन्च होने वाला है। Nevertheless, ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। अगर आपको Xiaomi के फ्लैगशिप्स में इंटरेस्ट है तो Xiaomi 13 Pro अगले महीने इंडिया में आ सकता है। इसके अलावा वैसे एक Xiaomi का एंट्री लेवल या रादर Redmi का एंट्री लेवल स्मार्टफोन Redmi 12C अगले महीने लॉन्च होने के चांसेस हैं। और गाइस, Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स में एक और एडिशन होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड Redmi Note 12 Turbo। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले होगी और Snapdragon 7 Gen 2 प्रोसेसर हो सकता है। ये स्मार्टफोन भी अगले महीने लॉन्च होने के चांसेस हैं। अगर लॉन्च नहीं हुआ तो एटलीस्ट फेब में Redmi Note 12 Turbo की अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। Redmi से आते हैं Realme पे। Realme GT Neo 5 अगले महीने लॉन्च हो रहा है चाइना में, ग्लोबल मार्केट में और इन ऑल लाइक्लीहुड इंडिया में। Realme GT Neo 5 एक अपर मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है और इसका मेन फोकस होगा फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज पे। इफ इन केस यू डिड नॉट नो, अभी तक Realme GT Neo 5 वर्ल्ड का फास्टेस्ट चार्जिंग स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें गाइस 240 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगी। सो अगर आपको एक अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको फास्ट चार्जिंग एज अ फीचर और एज अ गिमिक पसंद है, तो यार Realme GT Neo 5 आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है। OnePlus का फ्लैगशिप OnePlus 11 फाइनली इंडिया में लॉन्च हो रहा है अगले महीने 7th फेब को। ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, इसके साथ में OnePlus Buds Pro 2 भी लॉन्च हो जाएंगे। अगर आपको OnePlus के स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको अलर्ट स्लाइडर चाहिए, अगर आपको एक कर्व डिस्प्ले चाहिए, Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर चाहिए, अगर आपको अच्छे फंक्शनल कैमरास चाहिए, तो OnePlus 11 कुड बी अ गुड चॉइस फॉर यू। और अगले महीने ये स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है। बट फन फैक्ट, OnePlus एक नए कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन को, जो टेक्नोलॉजी फ्यूचर के OnePlus स्मार्टफोन्स में यूज हो सकती है, इसको शोकेस करने वाला है ड्यूरिंग द अपकमिंग MWC 2023। एंड स्पीकिंग ऑफ फ्लैगशिप्स, हु कुड फॉरगेट द फैक्ट दैट Samsung की अपकमिंग Galaxy Unpacked इवेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 1st फेब। Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra तीनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं 1st को। सो अगर आपको Samsung के स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट है और अगर आपको एक टॉप टियर प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना है, तो यार Galaxy S23 सीरीज अब लॉन्च होने वाली है काफी जल्दी। प्री बुकिंग्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। सो अगर आपने इस सीरीज के किसी स्मार्टफोन को लेना ही है, तो आई सजेस्ट कि यार आप प्री बुकिंग करके रख लो। कुछ आपको प्री बुकिंग बेनिफिट्स, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह Galaxy S23 सीरीज पे मिल जाएंगे। मिड रेंज स्मार्टफोन्स भी काफी सारे लॉन्च हो रहे हैं अगले महीने, और Moto H 40 Pro की इंडियन लॉन्च अभी मेरे को कंफर्म नहीं कि कब होने वाली है, बट Moto G53 और Moto G73 काफी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स की लॉन्च को आप अगले महीने एक्सपेक्ट कर सकते हो। और Moto G53 में Snapdragon 480 Plus प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 5000 mAh बैटरी होने वाली है, ऐसा लीक्स क्लेम कर रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन्स लो 20,000 होने वाले। सो अगर आपको एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको Moto के स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट है, तो ये दोनों स्मार्टफोन्स अगले महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पीकिंग ऑफ मिड रेंज स्मार्टफोन्स, iQOO Neo 7 आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा टॉक्ड अबाउट स्मार्टफोन होने वाला है। ये स्मार्टफोन 16th फेब को लॉन्च होने वाला है। इसमें MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर होगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले होगी, 120 वॉट्स फास्ट चार्जिंग होगी और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होने वाला है विद दिस प्रोसेसर। iQOO Neo 6 में काफी इंटरेस्ट था लोगों को, और अगर आपको iQOO Neo 6 का सक्सेसर खरीदना है, अगर आपने अभी तक iQOO का कोई स्मार्टफोन एक्सपीरियंस नहीं किया बट आपको एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, तो iQOO Neo 7 इज राइट अराउंड द कॉर्नर। Infinix का भी एक अलग ही फैन बेस है गाइस, और Infinix का एक 5G स्मार्टफोन Infinix Zero 5G 4th फेब को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। आई एम नॉट सो श्योर कि आपको Infinix एज अ ब्रांड कितना ट्रस्टवर्दी लगता है, बट स्टिल अगर आपको Infinix का एक फोन लेना है, अगर आपको 5G स्मार्टफोन लेना है, तो Zero 5G अगले महीने इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। Oppo Reno 8 T सीरीज लॉन्च हो रही है गाइस अगले महीने इंडिया में। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स होंगे, मतलब होगा तो Reno 8 T ही, बट एक 4G वेरिएंट होगा, एक 5G वेरिएंट होगा। 4G वेरिएंट में आपको फ्लैट पैनल मिलेगा और 5G वेरिएंट में कर्व्ड 120
120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पैनल मिलने वाला है। और दोनों स्मार्टफोन्स वैल्यू फॉर मनी तो नहीं होंगे व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, बट अगर आपको एक स्टाइलिश स्मार्टफोन लेना है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, अगर आपको एक सेल्फी कैमरा ओरिएंटेड स्मार्टफोन लेना है, और अगर आपको एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना है इन जनरल, तो यार रेनो 8T 4G और रेनो 8T 5G अगले महीने इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। पोको का भी एक्स सीरीज का एक स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है और इन ऑल लाइकलीहुड दिस इज गोइंग टू बी द पोको X5 Pro। तो गाइस पोको X5 Pro या तो जनवरी एंडिंग में ही लॉन्च हो जाएगा या फेब के पहले वीक में लॉन्च होने के चांसेस हैं। और अगर आपको पोको का एक फोन लेना है तो पोको X5 Pro 5G की इंडियन लॉन्च अब काफी जल्दी होने वाली है। इस स्मार्टफोन की कुछ लाइव इमेजेस लीक हुई थी, हार्दिक पांड्या यूज करते हुए दिखाए गए अभी कुछ टाइम पहले पोको X5 Pro को। सो काफी जल्दी ये स्मार्टफोन इंडिया में अब लॉन्च हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीवो X90 सीरीज के स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो सकते हैं। ये 3 फेब को रिपोर्टेडली ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। सो इंडिया में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फेब में Vivo X90, Vivo X90 Pro और Vivo X90 Pro Plus लॉन्च हो जाएंगे। इफ इन केस यू वांट द ऑसमेस्ट ऑफ द ऑसमेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस, अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, डिजाइन अच्छा चाहिए, तो यार Vivo X90 सीरीज के स्मार्टफोन्स का आप थोड़ा सा वेट कर लो। ये सीरीज अब जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। सो गाइस या देयर यू हैव इट, दीस आर द स्मार्टफोन्स व्हिच आर मोर देन लाइकली टू लॉन्च नेक्स्ट मंथ एंड मोस्ट ऑफ दीस स्मार्टफोन्स आर गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया एज़ वेल। आपको इन सारे स्मार्टफोन्स में से या इन सीरीज में से कौन सा स्मार्टफोन, कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है, किस फोन का आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट मी नो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव इट ऑलरेडी। टेक न्यूज आपको मेरे चैनल पे डेली मिलती है, सो अगर आप अपकमिंग स्मार्टफोन्स, अपकमिंग टेक की न्यूज में इंटरेस्टेड है तो भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पक्का से दबा के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद।